बिग बॉस की लाइव फीड भले ही बंद हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर के अंदर कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा। तो घर के अंदर जो है लगातार कुछ ना कुछ एक्शन हो ही रहा है। और क्या रही है सेट से खबर, क्या हो रहा है घर के अंदर, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ऐश्वर्या और नील जो है पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा तहलका का परफॉर्मेंस है और एक मेलोडी टाइप जो है गाना बनाया गया है, बोले रांझना, ये जो गाना कुछ है जिस पर ऐश्वर्या और नील परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर आज से रिहर्सल्स जो हैं शुरू हो गई हैं और ये सभी जो है रिहर्स करते हुए नजर आएंगे। एक एक करके एक्स कॉन्टेस्टेंट पहुंचेंगे। नवेद सोल से मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, वो भी पहुंचने वाले हैं। तहलका जो है ऑलरेडी है और उनका भी जो है डांस जो है रिहर्सल चालू हो चुका है। ऐश्वर्या नील का डांस है। खानजादी को लेकर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आ रहा है कि आखिरकार खानजादी हिस्सा लेगी या नहीं, लेकिन आप जानते ही हैं कि खानजादी का जो सॉन्ग आने वाला था उसका पहला पोस्टर जो है वो आउट हो गया है। वहीं एस्ट्रोलॉजर जो है वो घर के अंदर आने वाले हैं, सुरेश एंड चिराग दारूवाला, और वो प्रिडिक्शन करेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो टॉप फाइव हैं उनमें कौन फाइनलिस्ट होगा, उनकी जर्नी, उनके रिश्ते, उनके बॉन्ड पर वो जो है डिस्कशन करेंगे। वो लोग फाइनलिस्ट यानी कि टॉप फाइव के साथ नहीं बात करेंगे, बिग बॉस के साथ ही इंटरेक्शन करते नजर आएंगे। तो फिनाले से पहले अब ये दो तीन दिन जो है वहां पर सेट पर रिहर्सल हो रही है और बहुत सारे जो है एक्स कंटेस्टेंट जो है सेट पर पहुंचने वाले हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में और आप किसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए एक्साइटेड है, आप लोग फिल्म विंडो के साथ बने रहिए। मैं आप तक जो है एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगी कि कौन किस गाने पर डांस कर रहा है, किसका किसके साथ एक्ट है। तो फिर आप, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आप लोगों को किसकी परफॉर्मेंस का सबसे ज्यादा जो है वो बेसब्री से इंतजार है।